आज कैंट क्षेत्र के सदर में रजक समाज के भवन के जीर्णोद्धार हेतु विधायक अशोक ईश्वर दास रोहिणी ने 2 लाख की राशि से निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संयुक्त रजक समाज ने अध्यक्ष ओम प्रकाश रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय विधायक जी के द्वारा समाज को हमेशा ही समय समय पर वह अपना योगदान देते रहते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने भूमि पूजन करते हुए रजक समाज के जीर्णोद्धार हेतु 2 लाख की राशि स्वीकृत की है। इस अवसर पर संयुक्त रजक समाज के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कैंट विधानसभा के अंतर्गत रजक समाज के भवन में रंगमंच के कार्यक्रम हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम विधायक निधि से किया गया। विकास कार्यों की गति निरंतर इसी तरह चलती रहे, विकास कार्य कैंट विधानसभा में इसी तरह होते रहें। आपको जानकारी हो कि अभी कल ही नितिन गडकरी जी महाकौशल के 5,000 करोड़ रुपए की राशि रिंग रोड से लेकर अनेक सड़कों की सौगात देकर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज कैंट विधानसभा में भूमि पूजन समारोह हुआ। हम इसी तरह दादा के इन सपनों को, दादा के इन कार्यों को और निरंतर इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। दादा के विकास कार्य, दादा के सेवा कार्य हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। आज रजक समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया और दादा के कार्यों को निरंतर इसी तरह आगे बढ़ाने का हम सब ने संकल्प लिया। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि रजक समाज के जीर्णोद्धार के लिए हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक अशोक ईश्वर दास रोहाणी जी के विधायक निधि से 2 लाख का कार्यक्रम कार्य इधर भवन में टाइल्स लगाने के उसमें किया जा रहा है। यह भवन 2010 के पहले निर्मित हुआ है। इसमें जीर्णोद्धार के लिए हमने विधायक जी से आग्रह किया था, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके भवन में 2 लाख के टाइल्स वगैरह लगाने का आज भूमि पूजन किया। मैं विधायक जी को और हमारे समाज के गणमान्य नागरिक जो इस कार्यक्रम में आए, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और समाज से यही अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह से अगर सहयोग रहा तो हम आगे और समाज के उत्थान के लिए जो बन सकेगा किसी भी स्तर से उनकी कमियों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैं सभी आपके माध्यम से सभी सामाजिक बंधुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि समाज की एकता को बरकरार रखने के लिए जितना यथा सहयोग आप दे सकते हैं वो घर के एक एक प्रतिनिधि को समाज के प्रति अपना समर्पण दिखा के समाज एकता को मजबूत रखने में अपना पूरा योगदान देना और समाज की इसी बागडोर को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करते रहना। आपका धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश रजक, अध्यक्ष संयुक्त रजक समाज कनौजिया पंच, जबलपुर।